अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध व्लॉग्स। सिंध व्लॉग्स में खुश आमदीद दोस्तों। मैं हूँ आपका होस्ट हारून अली, और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी क्रॉप में, एक ऐसे फसल में जिसको आप सबको पता होगा, ये क्रॉप है कपास का, कॉटन का जो है क्रॉप है। और इस कॉटन क्रॉप की जो स्टेज है अभी ये तैयार है स्टेज, इसके जो अभी इसमें जो फल है वो लग चुका है, इसको हम जो सिंधी में गोगरू कहते हैं, ये लग चुका है। अब इससे जो है वो कपास निकलने वाली है, कुछ जो है वो निकल भी चुकी है, तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगा फसल। इसकी जो चुनाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये फसल है, आप देख सकते हैं, ये ज़्यादातर जितना भी यहाँ हमारे इस एरिया के अंदर फसल है ये कॉटन क्रॉप का फसल होता है, ठीक है, कॉटन क्रॉप है। अच्छा, ये फसल यहाँ पे अभी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, बारिशों की वजह से जो फसल है आपके सामने, ये बारिशों से बहुत अरसा पहले जो है वो लगाया गया था, इसलिए यह फसल को फ़िलहाल इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना इस फसल को नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे पौधे हैं, छोटे पौधे होने की वजह से इसको ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। जैसे ये भी इनको भी, इसको भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस फसल में भी ज़्यादातर माल जो है वो नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले फसल उगाया गया था उसमें माल ज़्यादा है, उसमें कपास ज़्यादा निकलेगी। चलो ठीक है दोस्तों, और अच्छा आप देख सकते हैं ये नुकसान, ये भी एक कॉटन क्रॉप है, लेकिन कॉटन क्रॉप में जो है वो इस नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें जो पेस्टिसाइड की जो स्प्रे किया गया था, वो पेस्टिसाइड जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो स्प्रे की साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो लिहाजा रजिस्टर्ड कंपनीज की जी जो है वो दवाई इस्तेमाल की जाए तो बेहतर होता है। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड शायद नहीं थी, तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो पूरी फसल तबाह हो चुकी है इसकी। दोस्तों ये है क्रॉप, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त जो है वो हमारा एरिया है, कम्प्लीटली सरसब्ज एरिया है, और सरसब्ज एरिया में जो है ज़्यादातर अभी स्प्रिंग जो है वो चल रहा है हमारा सीज़न, तो स्प्रिंग की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जो क्रॉप है वो कॉटन का क्रॉप है। तो दोस्तों एरिया देख सकते हैं आप, इस एरिया में जो है ये मेन एरिया है हमारा, जिसमें स्प्रिंग सीज़न में कॉटन होता है और विंटर सीज़न में जो है वीट होती है। तो देख सकते हैं एरिया आप, कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जिसमें जो है वो कोई फसल ना हो, कम्प्लीटली जो है वो एक ग्रीनरी वाला माहौल, ग्रीनरी एनवायरनमेंट है हमारे पास, अच्छे अच्छे फसल होती हैं ज़्यादातर जो है हमारे पास, वो फसल होती हैं जहाँ पे पानी का मकदार जो है वो कम इस्तेमाल हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो होता है ज़्यादातर ट्यूबवेल से, तो ट्यूबवेल जो है वो ज़्यादातर चलती हैं डीजल इंजन पे, डीजल इंजन, डीजल आपको पता है कि महंगा है, महंगा होने की वजह से यहाँ पे जो गन्ने का क्रॉप है वो नहीं होता, पानी कम है इसलिए, यहाँ केले का फसल नहीं होता, तो बाकी उसके अलावा ये होते हैं। ये आम के दरख्त हैं, आप से देख सकते हैं ये दरख्त हैं, कुछ
तो दोस्तों आपने एरिया देख लिया हमारा, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर कोई सवाल हो। चैनल सिंध ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।